Hey guys, and तुम सभी का स्वागत है पोकेमॉन ग्लेस के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। सो गाइस, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू पकड़ा था जो कि है लेवल 60 का, एंड हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर अपने सारे जिम बैजेस कलेक्ट कर लिए थे। तुम देख सकते हो अपन के पास सारे जिम बैज कलेक्ट है और हम अब लोग एलिजिबल हैं पोकेमॉन लीग यानी जोटो लीग में पार्ट लेने के लिए। सो आगे गेम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पावरफुल मूव्स अपने म्यूटू को सिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने और किसी पोकेमॉन को अभी तक नहीं सिखाए हैं। सो या तो चेक करते हैं, हमारे पास एक तो है स्टील विंग, तो क्या हमारा म्यूटू स्टील विंग सीख सकता है? ओके, नहीं, मेरे को लगा था कि म्यूटू सारे मूव टाइप सीख जाएगा क्योंकि वो म्यू के डीएनए से बना है, तो या मैं गलत निकला यहाँ पे। ओके, तो म्यूटू एक फायर टाइप मूव सीख सकता है, तो उसको एक फायर टाइप मूव सिखा देते हैं हम लोग। तो देखो, फ्यूचर साइड हटा देता हूँ मैं क्योंकि ये म्यूटू का फ्यूचर साइड बिल्कुल यूज़ करता नहीं, ना करूँगा। एंड एक अपने पास घोस्ट टाइम मूव होना चाहिए, तो ये भी सिखा देते हैं अगर सीख सकता है तो, एंड या सीख सकता है वो। तो देखो, रॉक क्लाइंब साई अप कॉपीज द फ्यू अफेक्ट एंड गिव द यूज़र, तो साई अप में मैं ज़्यादा यूज़ करने नहीं वाला, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो ऑल राइट, तो आई गेस इतने काफ़ी हैं मूव सिखाने के लिए उसके पास। एंड यहाँ से हम कुछ चीज़ें भी खरीद लेते हैं। ओके, मैक्स पोशन, फुल रिपेल वगैरह, एस्केप रोप ले लेता हूँ मैं दो। बाकी आई गेस एक मिनट रुको, एक चीज़ लेना भूल गया मैं, मैक्स रिपेल ले लेते हैं 5 और बस, इतने काफ़ी है, इतने इनफ है हमारे लिए। कंटिन्यू जर्नी का स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने तुम लोगों को टारगेट दिया था 2000 लाइक का, तो वो तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो इसलिए हम लोग अब पोकेमॉन का फ्यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले। वैसे यहाँ पे गुफा तो है, देखते हैं कहाँ से रास्ता है इसका। ओके, आई गेस इधर से ही रास्ता है इसका, यप इधर से ही है। और ये ग्लाइसगार लेवल 50 का, तो इस गुफा का नाम है डार्क केव, मतलब केव डार्क तो होगी ऑब्वियस सी बात है। ओके, मैं मैक्स रिपेल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे पोकेमॉन आ सकते हैं। ओके, वेयर इज माय मैक्स, यप 20 रिपेल अपने पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कहाँ पहुँचते हैं यहाँ से। ओके, उधर एक पोकेबॉल है, तो मेरे को एक पोकेबॉल लेना है। क्या बार पहुँचूँ कैसे? या एक गुफा तो है यहाँ पे, चलो मंजिल जहाँ पे ले जा रही है हम वहीं चलते हैं। ओके, हम ये कहाँ निकले? हम निकले हैं रूट 31 पे। ठीक है, जरा आप पोकेमॉन में देखें। ओके, तो वैसे हमें जाना है पोकेमॉन लीग इस तरफ, लेकिन हम पहुंच गए इस तरफ, मतलब कि ये रूट टोटली गलत है। रूट गलत है गाइस, रूट गलत है, हम लोग गलत रूट पे पहुंच गए। ओके, कोई बात नहीं, ये वाली साइड चेक करते हैं। ओके, मेरे को लगता है कि हम लोग फिलहाल इस गुफा के अंदर भटक गए हैं। ओके, ये रास्ता चेक करते हैं। रिपेल इफेक्ट ऑफ हो गया, अगेन ऑन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके, इधर एक गुफा है, वैसे इधर एक गुफा है। ओके, तो गाइस हम लोग फाइनली एक अच्छी जगह निकले हैं, एंड मैं चेक कर लेता हूँ अगेन क्या हम लोग सही जगह पे आए हैं। या हम लोग सही जगह पे हैं, हम लोग को यहाँ पे, अरे मैं नीचे क्यों उतरा, गलती हो गई यार, गलती हो गई, मैं वो नीचे उतर के गलती कर दी मैंने। रुक जाओ, मेरे को नीचे नहीं उतरना शायद से, चलो देखते क्या होता है, नहीं तो फिर मैं घूम के वापस आना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब उतर ही गए हैं, तो उतर ही जाओ पूरा अच्छी तरीके से। मेरे को बाउंस यूज करना था ना, वेट अ सेकंड, चलो अरे पोकेबॉल है, शाइनी स्टोन। अब पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, रियली मेरे को कुछ नहीं पता मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। ओके, आई गेस हम लोग सही जा रहे हैं पोकेमॉन लीग, यप कंफर्म नहीं बोल सकता लेकिन मेरे को लग रहा है हम लोग सही जा रहे हैं। तो हम वापस न्यू बाग टाउन आ गए हैं, पिछली बार यहाँ पे जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। ओह वेट, क्या यही रास्ता है? यप यही रास्ता है गाइज, हम लोग सही आ गए। अब अनटिल ओनली अ फ्यू मंथ अगो यू वुड कीप going this way to get the indigo plateau, but Mount Silver erupted and wiped almost the entire route. Okay, if it isn't for Pokemon, New Bark Town would have been destroyed the inferno.
इट्स अमेजिंग हाउ पावरफुल दोस लिटिल गाइस कैन बी। ओह निकलते हैं फटाफट से यहाँ पे। तो यहाँ हमारे जिम बैजेस चेक होने वाले हैं आई गेस, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। ओके लेवल 40 का सीट रहा। मैं एक काम करता हूँ, म्यूटू को ना नंबर वन स्पॉट पे रख लेता हूँ, ठीक है। एंड यार यहाँ काफ़ी सारे पोकेमोन अगेन आने वाले हैं, शैडो बॉल। तुम लोगों ने बोला कि म्यूटू को मैं यूज़ करता रहूँ नहीं तो ये एक बैड एग बन जाएगा, सो तुम लोगों की बात मानूंगा और इसको यूज़ करता रहूँगा ताकि ये बैड एग ना बन जाए। अब मेन बात ये है कि हम लोग सही जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आई गेस हम लोग सही नहीं जा रहे, तो डुबकियाँ मार के देखते हैं और पता लग जाएगा। लाइट इज फिल्टरिंग डाउन अबाउ फ्रॉम अबाउ, वुड यू लाइक टू डाइव? नो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे निकल के देखते हैं कहाँ निकलते हैं। ओके ये कनेक्शन यहाँ पे इसका है, यहाँ पे देखे क्या है। आई गेस अब हम पार कर जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हम पार, या पार कर गए गाइस, पार कर गए हम लोग। तो पोकेमोन को हील तो ऐसे ऑलरेडी हो रखे हैं। तो यहाँ पे पुलिस वाले आई गेस। द जोटो लीग इज जस्ट अप दी स्टेप्स, या विक्ट्री रोड इज शॉर्ट इफ यू वॉन्ट इट टू बी, बट यू आर एब्सोल्युटली श्योर यू आर रेडी फॉर द लीग? यस। वेल डू यू हैव द 8 बैजेस ऑफ जोटो? यू मे कम एंड गो एज यू प्लीज। अब मेरे पास सारे के सारे बैजे, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है भाई, मेरे को इतनी सी बात बता दो एक बार। क्या हम लोग जल्दी पहुंच गए? यार पहुंच गए गाइस हम लोग, आई गेस पहुंच गए हम लोग। यार ये बहुत जल्दी पहुंच गए यार, कितना मस्त है यार ये, देखो जोटो लीग कितना ऑसम लग रहा है। ओके पेंट पेंट हाउ डिड यू गेट हियर बिफोर मी? यू आर सपोज टू बी द स्लो पोक, देयर इज नो वे इन हेल यू गेटिंग गो टू बी द चैंपियन ऑफ जोटो एंड टू नो दैट जस्ट नॉट फेयर एट ऑल। आई एम सपोज टू बी द चैंपियन, आई विल बीट यू एंड आई विल प्रूव इट। ओके पता लग जाएगा कौन कितना है आगे है। तो अपन के पास तो देखो भाई म्यूटू है, तो अपन को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, उनको पता है म्यूटू इज ऑसम ऑसम ब्लॉसम। म्यूटू अपना फायर ब्लास्ट भाई देख लो, म्यूटू लेवल 60 का हो गया, उसने 70 को हरा दिया, तो ये क्या चैंपियन बनेगी खुद बताओ, क्या चैंपियन बनेगी ये? वैसे यार इसके सारे पोकेमॉन लेवल 70 के हैं, मेरे को यकीन नहीं हो रहा यार इसने इतनी ट्रेनिंग कर ली रियली में गाइस। अर्थक्वेक, अरे यार कोई बात नहीं, अपन के पास इन्फनेप है 81 का भाई, कोई नहीं टिक पाएगा मेरे सामने। ओके तो इसके सारे पोकेमॉन लेवल 70 के होने वाले हैं, इतना मेरे को पता लग गया है। किंगड्रा, ओके किंगड्रा के लिए मेरे पास लैटियास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ड्रैगन क्लॉ, क्योंकि ड्रैगन क्लॉ से काम बन जाना है अपना बिल्कुल। मगेनियम, मगेनियम तो भाई लो इन्फनेप ऐसी तैसी मार देगा इसकी। ओके इसका सबसे हाईएस्ट लेवल आई गेस मगेनियम ही है, लेवल 72 का, और ये वो भी हार गया, मेरे 81 का है। पिकाजू नॉट अ बिग डील भाई, देखो भाई डिग अपन डिग यूज करेंगे, पल्टी मारी उसने तो। फाइन आई गेट इट, यू अ ग्रेट बैटलर, यू डिजर्व टू बी चैंपियन, ब्ला ब्ला, गो एड एंड बी चैंपियन इफ इट मीन सो मच टू यू, आई गॉट अदर प्लान। सी या भाई इसे इतनी जल्दी हार मान ली, यार कैसी बंदी है, इसने इतनी जल्दी हार मान ली। तो भाई ठीक है अपन ने सब कुछ पोकेमॉन को हील कर लिया है। एंड एक चीज़ चेक कर लूँ जाने से पहले, देखो भाई अपन के पास हाइपर पोशन 20 हैं, रिवाइव हब 4 हैं, एंड एक चीज़ और देख लूँ मैं, एच पी अप 1 है, अवेकनिंग या मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, ले लेता हूँ यहाँ से। यार रिवाइव कम से कम अपन 10 लेके रखेगा ठीक है, और इसके पास वो तो है ही नहीं यार। चलो कोई नहीं, हील ऑल एक ये चीज़ ले लो, अपन अच्छे से करके जाएगा। होली रिस्टोर द एच पी, ओके ये भी ले लो, अपन पूरी तैयारी करके जाने वाला है इस बार पोकेमॉन लीग में। तो गाइस ओ ये कौन है, कैन यू बिलीव वी मेड इट दिस फार, नॉट लॉन्गर टिल द गेम इज टोटली फिनिश। ओके चलो भाई एक काम करते हैं, फटाफट फटाफट चलते हैं, मुझसे वेट नहीं हो रहा। तो जो हमारी पहली जिम लीडर है, सॉरी लाइट फोर मेंबर है, वो आई गेस पॉइजन टाइप पोकेमॉन यूज करने वाली है। यस अ चैलेंजर, यस यस, हेलो यंग कैम्ब्रेड, आई एम इवान, यस यू विश टू चैलेंज माई पॉइजन टाइप, यस यस, लेट अस बैटल बिगिन गाइस।
तुम देख रहे हो गाइस इसके पास 5 पोकेमॉन है। आई गेस फायर ब्लास्ट से काम बन जाना चाहिए। नहीं बना। ओह पॉइजन कर दिया इसने मेरे को। साइक। ओ उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके मेरे को ही मार दिया यार, ये गलत बात है। ओके इन्फनेप नेक्स्ट। ओके मेरे को डिग यूज करना चाहिए क्योंकि पहले अटैक से तो मैं बच जाऊंगा इसके। ईस्ट ठीक है। अर्थ ओ रे नहीं 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 यार मेरे को पता ही था कि स्वाइपर अर्थ को एक यूज कर सकता है। यार ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई सही में। लगता है हमारी पहली बैटल भाई लंका लगने वाली है। अरे यार शेट मेरे को पता है क्या यूज करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है लैटियास को ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर अर्थक्वेक का असर नहीं होगा। तो देखते हैं ड्रैगन मॉड मीटर क्या असर कर पाएगा। या कर गया सर भाई बहुत ही बढ़िया। तो फिलहाल मेरे को देखो गेंगार 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 ओके ये इसको यूज करूंगा मैं। ड्रैगन क्लॉ भाई यार ये मेले मुसीबत बन सकती है यहाँ पे चीजें। सही में गया मैं काम सही। मेरे को लगता नहीं कि मैं इसको हरा पाऊंगा आज। तो अपन सर्फ यूज करते हैं। क्या पता हरा दें हम इसको, क्या पता नहीं हरा पाए। क्या इस पर अर्थक्वेक का सर होगा? नहीं हुआ। डाइव ओके डाइव का सर हो रहा है तो मैं डाइव यूज कर। यार व्हाट द हेक गाइस रियली में अब मैं हार गया ना मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी सही में। ड्रैगन ब्रीथ ओके मेरे को भी काम करना चाहिए फटाफट से। रिवाइव वेयर इज माय रिवाइव हर्ब रिवाइव हर्ब रिवाइव हर्ब ओके रिवाइव हर्ब ये रही मेरी। तो मेरे को किसी भी हालत में इस मैच को जीतना है तो मैं जीत के ही रहूंगा। ओके नेक्स्ट म्यूटू ठीक है। अब अपन थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। ट्रैको मीटियोर या ट्रैको मीटर से। अरे यार ये फुल रिस्टोर क्यों यूज कर रही बार बार। अगर मैं जीत नहीं पाया ना तो भाई बेइज्जती जानी मेरी सही में आज सही में। मेरे को और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी रियली में। ड्रैगन ब्रीथ ओके ये भी इन्फने बचा ले हमको भाई। सही में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बैटल होती जा रही है। बहुत ही मुश्किल से मैंने हरा दिया है। ट्रेंटरकूअल भाई ट्रेंटरकूअल एक वाटर टाइप है तो मेरे को यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा अबॉबी को। एंड या अब मैं क्या यूज कर सकता हूँ साइकिक ओके फायर ब्लास्ट। यार ये अजीब ही मूव है यार ये वाला सही में बहुत ही अजीब मूव। ओके मुझे किसी भी हालत में इस मैच को जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। सोचो अभी की बैटल्स इतनी टफ हो रही है तो आपकी बैटल्स कितनी टफ होगी मेरे लिए भाई रियली में। 16 भीम ओके अरे यार शिट इन पर नहीं भी कुछ कर सकता है नहीं तो फिर मैं गया काम से। ओके कट थैंक गॉड ओके फ्लेम थ्रोअर भाई मेरे को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है सही में। हाँ ये हाइपर पोशन कुछ यूज़ करेगी अपन भी यूज़ कर ही लेते हैं। ओके मैं हारना नहीं चाहता यहाँ पे सही में मैं बिल्कुल हारना नहीं चाहता। ओके फाइनली हरा दिया मैंने इसे भाई। आगे जाके में बहुत दिक्कत होने वाली है। माय पॉइजन टाइप है विन क्रस्ट जस्ट लाइक नेपोलियन द वॉर भाई साहब मेरी सट्टी पिट्टी को लो भाई। ऑफ यू गो यंग कमरेड टू द नेक्स्ट रूम। भाई यार यहाँ पे जब इतनी प्रॉब्लम हुई है मेरे को तो अगले रूम में कितनी दिक्कत होगी मेरे को भाई सही में। एक काम करते हैं फटाफट से पोकेमॉन्स को हील करते हैं यहाँ पे और चलते हैं अगले रूम में। वेल गाइस जो अगला मैच था मेरा लाइटफुट मेंबर के साथ वो मैं जानबूझ के हार गया। इसके पीछे मेरे दो रीज़न हैं। सबसे पहली बात मेरे पोकेमॉन इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि मैं उनके साथ बैटल कर पाऊँ और दूसरी बात ये है कि अगर मैं उसको हरा भी देता मेरे जो पोकेमॉन की लेवल है तो तब भी मेरे लिए आगे जाके डिसएडवांटेज होता क्योंकि मेरे पास सामान बचता ही नहीं जिससे अपने पोकेमॉन्स को वापस से हील कर पाता। इसलिए अब मैं पोकेमॉन को हील करूँ मतलब पोकेमॉन को ट्रेन करूँगा काफ़ी ज़्यादा
एंड देन अगले एपिसोड में हम लोग दोबारा से एलाइट फोर मेंबर से फाइट करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।